हे गाइस, वेलकम टू राबिया स्किन केयर। और मैं हूँ राबिया। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था, मैं आपके साथ एक्ने स्कार्स, एक्ने मार्क्स, पिंपल के मार्क्स, पिंपल चले जाने के बाद जो निशान रह जाते हैं, जो काले धब्बे रह जाते हैं, उनको हटाने के कोई सोल्यूशन या रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि एक्ने स्कार्स और एक्ने मार्क्स में फ़र्क होता है। जैसे कि आप ये इमेज को देखिए, ये इमेज में दोनों भी जो निशान है, ये दोनों भी पिंपल्स चले जाने के बाद के हैं। लेकिन इस निशान को हम एक्ने स्कार बोलते हैं। अगर आप अपने पिंपल्स को फोड़ते हो या फिर पार्लर जाके ब्लैक हेड रिमूवर से उसको निकालते हो या फिर अपने नाखून से ही उसको पिक करते हो, तो उससे हमारे स्किन में गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसको हम एक्ने स्कार बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पिंपल सूख जाते हैं तो वो अपने पीछे एक काला निशान और दाग छोड़ देते हैं। इसको हम पिंपल के मार्क्स बोलते हैं। साइंटिफिकली इसको हम पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में पिंपल के मार्क्स, एक्ने के मार्क्स और डार्क स्पॉट्स भी बोलते हैं। तो आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, वो ये एक्ने मार्क्स, ये पिंपल के मार्क्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि वो रेमेडी क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि विटामिन सी का सीरम अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करो। विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके स्किन टोन को लाइटन, ब्राइटन प्लस प्रोटेक्ट भी करता है। विटामिन सी के सीरम से आपके सिर्फ डार्क स्पॉट्स या पिंपल के मार्क्स नहीं जाते, बल्कि आपकी ओवरऑल स्किन टोन भी, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और ब्राइट भी होती है। विटामिन सी के सीरम कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और इसके और भी क्या क्या बेनिफिट्स है, ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उसको देखो, वो सीरम को बनाओ और यूज़ करना शुरू करो। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तीन सिंपल सी होम रेमेडीज, जिससे आप ये दाग धब्बे से छुटकारा पा सकते हैं। जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन है, इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा आलू या पोटैटो और एक छोटा टमाटर या टोमेटो। ये दोनों को भी एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए या कस लीजिए और इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसको मिक्स करके इसे भी या तो फिंगर या फिर कॉटन बॉल की हेल्प से अपने पूरे जो पिंपल के स्पॉट्स है वहाँ पे अप्लाई करें, या फिर आप इसे अपने पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। टमाटर में विटामिन ए और लाइकोपीन है, तो ये आपके स्किन को लाइट करता है, आपके जो पिंपल के स्पॉट्स है उसको रिड्यूस करता है, आपके दाग धब्बे को क्लियर करता है। पोटैटो में भी स्किन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है। पोटैटो के ऊपर तो मैं कंप्लीट फेशियल बताने वाली हूँ आपको, क्योंकि ये आपके स्किन को नेचुरली लाइट करता है, वाइट करता है। इससे आपके सिर्फ डार्क स्पॉट्स ही नहीं जाते, जो भी ब्राउन स्पॉट्स, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन है वो भी कम्प्लीटली चले जाते हैं। तो इसे आपको अप्लाई करके रखना है 20 से 25 मिनट के लिए। 20-25 मिनट बाद आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। ये भी चीज़ आपको दिन में एक बार करनी है, कुछ दिनों के लिए आपको लगातार करनी है, जब तक आपके जो डार्क स्पॉट्स है वो कम्प्लीटली चले नहीं जाते। इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरी रेमेडी की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए सैंडलवुड या चंदन पाउडर और एप्पल साइडर विनेगर। एक बाउल में आप एक चम्मच चंदन या सैंडलवुड पाउडर लें, उसमें दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड करें और दो चम्मच नॉर्मल प्लेन वाटर ऐड करें। इसको अच्छे से मिक्स करें और इसकी एक लेयर अपने डार्क स्पॉट्स के ऊपर अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सिर्फ अपने पिंपल के स्पॉट्स के ऊपर ही अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपने पूरे फेस पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। सैंडलवुड यानी चंदन पाउडर में एंटी टैनिंग, एंटी एजिंग, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। ये आपके स्किन को सूद भी करता है, कूल भी करता है, प्लस आपके डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। ये किसी भी तरीके के पिगमेंटेशन के लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन सिर्फ सैंडलवुड आप यूज़ करोगे तो इसके लिए आपको महीने लग जाएंगे, इसीलिए हमने इसमें ऐड किया है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर एक सुपर्ब इंग्रेडिएंट है ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। ये आपके स्किन से डेड सेल्स को निकालता है, जिससे आपके जो ब्राउन स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, जो डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स के धब्बे हैं, वो लाइट होते हैं, वो निकलने लगते हैं। प्लस ये आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और आपके अनइवन स्किन टोन को भी इवन करता है। तो इसे अप्लाई करने के बाद में आपको वेट करना है अगेन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये सूख जाए। जब ये सूख जाएगा तब आपको इसको वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। इसको आपको डेली नहीं करना है, इसको आपको वीक में 3-4 टाइम्स करना है मैक्सिमम, और इसको तब तक करना है जब तक आपके जो डार्क स्पॉट्स है वो कम्प्लीटली चले नहीं जाते। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सोल्यूशन पे। बहुत सारे लोग होम रेमेडीज की जगह क्रीम्स प्रेफर करते हैं, तो मैं आपको क्रीम्स वगैरह भी सजेस्ट करूंगी। लेकिन बात यह है कि वो क्रीम्स से सिर्फ आपके पिंपल के स्पॉट्स नहीं जाते, किसी भी तरीके के पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, मेलास्मा चले जाते हैं और आपकी स्किन केमिकली एक्सफोलिएट होती है और आपकी स्किन ब्राइट भी हो जाती है। तो इसीलिए मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी मेरे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दे, मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले, और आई होप कि आप मेरे वीडियो को शेयर भी करते हो, और नहीं करते हो तो कर दो यार। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।